हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी की पूरी, जिसे बॉटल गार्ड और घिया भी कहते हैं। आमतौर पर बच्चे इसे नहीं पसंद करते हैं, मगर आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी इसे आराम से खाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लौकी की पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी 250 ग्राम, गेहूं का आटा 1 कप, सूजी आधा कप, अजवाइन आधा टीस्पून, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा टीस्पून, नमक आधा टीस्पून या स्वाद अनुसार, कटी हुई धनिया पत्ती 1 टेबलस्पून, तेल 1 टेबलस्पून, पूरी का आटा लगाने के लिए तेल, पूरी तलने के लिए। सबसे पहले लौकी का ऊपर और नीचे का पार्ट काट लें। यहाँ पर मैंने आधी लौकी ही यूज़ की है, जो कि 250 ग्राम है। अब इसके छिलके निकाल लें और इसे अच्छे से धो लें। अब एक ग्रेटर के छोटे वाले पार्ट से लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लें। एक मिक्सिंग बोल लें, उसमें गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन को अपनी हथेली में घिस कर डालें। लाल मिर्च, नमक और धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ग्रेट की हुई लौकी निचोड़ कर डालें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको अच्छे से गूंथ लें। अगर ज़रूरत पड़े तो लौकी का बचा हुआ पानी डाल दें। अगर डो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर लें। अब डो के ऊपर तेल डालकर अच्छे से गूंथ लें। डो को ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब बोल से ढक्कन हटाकर डो को वापस से गूंथ लें। अब डो से थोड़ा सा पोर्शन लें और उसकी एक बॉल बना लें। बॉल को फ्लैट करके उसे पूरी की तरह बेल लें। अगर ज़रूरत लगे तो पूरी बेलने के लिए आप तेल या फिर सूखे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर तेल गरम कर लें। एक एक करके पूरी डालें। ध्यान रखें पूरी तलते टाइम उसे साइड साइड से ही दबाएं। और उसे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक तल लें। अब बची हुई पूरी भी इसी तरह से तल लें। लीजिए, टेस्टी और क्रिस्पी लौकी की पूरी तैयार है। इसे गर्मा गर्म किसी भी अचार, दही या फिर सब्जी के साथ सर्व करें और इसके मज़े लें। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।